स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर कैट ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे थ्रेड्स कैसे लगाते हैं, मैनुअल थ्रेड्स, क्योंकि ऑटोमेटिक थ्रेड्स तो हम यहाँ से लगा लेते हैं। इसमें है सब कुछ है, जो डायमीटर देने हैं, टैप देने हैं तो टैप दे सकते हो, थ्रेड कौन सा लगाना है, मैट्रिक थिक, मैट्रिक थिन, इसमें जितने जो भी पिचेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर टैप में भी है कि कैसा, अगर टैप वगैरह लगाना है, सब कुछ है इसमें। तो अभी फिलहाल हम करेंगे मैनुअल थ्रेड्स। ये नट मेरे पास पहले से है, वीडियो बना चुका हूँ इस पर, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि नट कैसे बनाना है, नट और बोल्ट दोनों का। और इसमें अभी हम फिलहाल बनाएंगे थ्रेड्स की, मैनुअल थ्रेड्स कैसे लगाने हैं। बाई चांस कहीं आपको अपना मैनुअल नट या बोल्ट लगाना है जिसमें स्टैंडर्ड थ्रेड्स या स्टैंडर्ड नट और बोल्ट यूज़ नहीं होगा, तो उसके लिए मैनुअल थ्रेड्स वो यूज़ कैसे करने हैं वो दिखाते हैं। अभी इस प्लेन पे एक स्केच करना है मुझे, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट और सेंट्रल एक्सिस होगी हमारे थ्रेड्स की। एक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक सेंट्रल एक्सिस के लिए एक सिंपल सी सेंटर से लाइन लगा देते हैं। जो मैंने नट बनाया था उसका इनर डायमीटर, इनर रेडियस 20 था, तो इस पॉइंट को भी सेंटर से 20 डिस्टेंस पर रखेंगे। 20, ओके, इतना किया, एग्जिट। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट में जाके शेप जनरेटर में जाके जनरेटिव शेप डिजाइन में जाना है। यहाँ पे हमें मिलेगा ये हेलिक्स, यहाँ पे हेलिक्स, हेलिक्स कमांड यूज करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने चूज किया था वो ये है, और एक्सिस जो हमने अभी बनाई है ये ऊपर दिखा रहा है, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे अकॉर्डिंगली। हाइट रफली दे देते हैं 50, की हमारे नट से बाहर आ जाए। सामने से देख ले, सामने से इसको देख लेंगे, फ्रंट व्यू से लगभग उतना ही है। अभी हेलिक्स को थोड़ा एडिट करेंगे, पिच बढ़ा देते हैं, 2 mm कर देते हैं, यहाँ 2.5 कर लेते हैं, ये हमारा पिच बन गया। ओके, इतना हो गया। और बाकी अगर कोई टैप्ड है तो हम टैप एंगल भी दे सकते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट है तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटिंग एक स्टार्टिंग एंगल है कि स्टार्ट कहाँ किस एंगल से करना है, हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी 0 ही दूंगा मैं। रोटेशन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। ये हमारी हाइट, ये पिच डिस्टेंस कि 1 और 2 के बीच में पिच डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो, इसको बढ़ाऊँगा तो वो कैसे बढ़ता जाएगा। हाइट थोड़ी और बढ़ा देते हैं ताकि पूरे नट में आ जाए। ओके, नाउ ओके। इसके बाद सेम इसी इसको कर लेते हैं वापस आइसोमेट्रिक। अब इस प्लेन पे एक और स्केच करना है, जो कि होगा मेरा
तो ऐसे हेलिक्स पे वो बन जाएंगे। हमारा जो सर्कल बनाया था हेलिक्स के अराउंड रिवॉल्व करके कट कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास थ्रेड्स बन जाएंगे। जहाँ अब सर्कल को हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, तो थ्रेड्स थोड़े और पास हो जाएंगे। तो इस ऐसे हम बनाएंगे इसमें नट में थ्रेड्स, नट हो चाहे बोल्ट, ये देखो इसमें थ्रेड्स दिख रहे हैं। थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ये देखो। ओके, क्लियर है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।